बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो मेरी वीडियो पे नए आने वाले हैं, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो जो मैं शॉपिंग करने गई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और क्योंकि शादी भी आ रही है तो ये कपड़े जो है ना, मैंने स्पेशली शादी के लिए शॉपिंग की है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका अपने बेटे के चेक करवाऊँगी। उसके लिए मैंने ली है पैंट शर्ट, हाँ जी, ये मैंने जीन्स की पैंट ब्लू कलर में, और साथ में मैंने ये जीन्स की है ये शर्ट, ये मैंने इसके साथ मैचिंग की है। और ये वीडियो में लाइट कलर नज़र आ रहा है, लेकिन कलर इसका ठीक है, पैंट से हल्का सा लाइट है ये, लेकिन इसका स्टफ जो है वो बहुत अच्छा है। और ये जो ड्रेस है ये उसकी फेवरेट है। और जो सेकंड ड्रेस है ये स्किन और मेहरून का कंट्रास्ट है जो मैंने लिया है, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसका कंट्रास्ट, क्योंकि सर्दी है तो फिर शर्ट मैंने सोचा मोटी लेनी चाहिए। और ये स्लीव्स हैं फिर इस तरह से, और ये पैंट है इसकी। ये जो है इसका जो कलर है पैंट का वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कलर इसमें भी है शर्ट के अंदर। और ये शर्ट मैंने ली है, ये फ्लीस में है इसका जो स्टफ है, और साथ में ये पैंट है। ये तीन ड्रेस उसके हैं, और साथ में मैंने एक जैकेट ली थी और एक शलवार कमीज है, वो मैंने टेलर को स्टिच करने के लिए दिया हुआ है। वो आएगा तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, ये इसके ड्रेसेस हो गए हैं, और मैं अब आपको जैकेट दिखाती हूँ इसकी। ये जो स्लीवलेस है ये 2-in-1 है, आप दोनों साइड से इसको पहन सकते हो, और इसके साथ हुड भी है। हाँ, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो आप ऊपर हुड भी ले सकते हो, अदरवाइज आप हुड के बगैर पहन सकते हैं। ये इसकी लुक है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और ये बिल्कुल लाइट वेटेड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटी के कपड़े। हाँ जी, यहाँ पे मैं अपनी बेटी के अब आपको दिखाती हूँ। ये उसके लिए मैंने बनवाया है टेलर से, ये उसका फैंसी ड्रेस है, ओपन शर्ट, ये नीचे से घेरा है। और वीडियो में तो बिल्कुल लाइट कलर आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। और आगे फैंसी बटन लगे हुए हैं, और आगे मैंने लैस लगाई है, इसमें लेस लगवाई है
बाजू पे बॉर्डर में नहीं लेकर आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था बाजू, इसलिए तो सारा बॉर्डर जो है वो मैं नीचे घेरे पे लेकर आई हूँ। हाँ जी, उसकी लॉन्ग शर्ट है और साथ में ये ट्राउज़र है। और ये सेम दुपट्टा भी है। उस पर मैंने ये चारों तरफ लेस लगवाई है, ये तिले की लेस है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो मैंने क्या किया, साइडों पे कटिंग करके तो मैंने ये लंबाई में उसको जोड़ के और फिर मैंने ये दुपट्टा लंबा कर लिया है, जिससे उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। और एक ड्रेस उसका मैं रेडी टू वेयर लेकर आई हूँ। ये सी ग्रीन में है, ये फ्रॉक है कलियों वाली, और ये गले पे एम्ब्रॉयडरी है और ये स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है। मैंने ज़्यादा हैवी इसलिए नहीं लिए क्योंकि बाद में पहने नहीं जाते, तो वैसे भी उसको पसंद नहीं आ रहा था ज़्यादा हैवी, तो उसने कहा मुझे यही लेना है क्योंकि इसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतने फैंसी लेके तो उसको फिर आप अलमारी में रख छोड़ो। और साथ में ये ट्राउज़र और ये मल्टी शेड में दुपट्टा है जो कि बहुत खूबसूरत है। ये इसी तरह से मुझे रेडी ये बिल्कुल तैयार मिला दुपट्टा, ये 3 पीस सूट था। और इसी तरह ये भी पूरी शर्ट पर कढ़ाई हुई हुई है, इसमें ये तिल्ले का और ये धागे का काम है जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह ये स्लीव्स भी बने हुए हैं। और साथ में ये मिरर वर्क है और इसी तरह ये तिल्ले और धागे की पट्टी नीचे भी लगाई हुई है और नेवी ब्लू में इसका कलर है ये इस कपड़े का, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है। और साथ में ये मैंने लिया था जामावार में, ये इसका ट्राउज़र है गोल्डन शेड में और ये शीशा जो है ये मिरर वर्क हुआ हुआ है 5 रुपये। और साथ में ये दुपट्टा है। और ये नेट की शर्ट है, इसमें भी फुल काम हुआ हुआ है, नेट का फ्रॉक, ये शॉर्ट फ्रॉक है, ये लॉन्ग नहीं है।
ये भी मैंने रेडी टू वेयर लिया है, और साथ में ये है रॉ सिल्क का जो है, इसमें ये ट्राउज़र है, और साथ में ये मोटिव है, इसमें भी बीड्स और तिल्ले का काम हुआ हुआ है। और इसी तरह नेट का ये दुपट्टा है, और ये लाइनिंग है इसके नीचे जो पहनी जाएगी, ये नेट का दुपट्टा है इसके साथ। हाँ जी, तो ये मैंने ड्रेसेस लिए हैं, ये जो बाद में ये हाँ जी ये ड्रेसेस थे जो मैंने आप लोगों को शो करवा दिए हैं, आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो पहले मैंने आप लोगों के साथ कपड़े शेयर किए थे अनस्टिच, वो भी स्टिच होकर आ गए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैंने इसी में दिखाना शुरू कर दिया तो ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के साथ ही मुझे अब आपसे मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।